अमेठी में भाजपा नेता और रेलवे बोर्ड सदस्य राघवेंद्र प्रताप सिंह राघवेंद्र सरकार ने गांव में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना और निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। मुसाफिर खाना आज शनिवार को विकास खंड क्षेत्र के दादरा गाँव में पूर्व प्रधान दलड पट बहादुर सिंह के दरवाजे पर पहुंचे बीजेपी नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह राघवेंद्र सरकार ने चौपाल लगाकर लोगों को केंद्र और प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी और चौपाल के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना और समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि प्रदेश की जनता तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया जाए, जिससे कि सरकार की योजनाओं का लोगों को लाभ मिल सके। साथ ही जनधन योजना, फसल बीमा योजना, गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन, स्वास्थ्य बीमा के साथ अनेक कार्य से हर वर्ग लाभान्वित हो सके। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी की मंशा है कि सरकार की हर योजना का लाभ अमेठी के लोग उठा सके। दिन हमारे किया जो सब हाँ उनका सारी सुविधा मिले चाहिए। योगी मोदी की जनता बात बोले चाहे कि नहीं तो बोल दिया एकदम योगी मोदी फिरिम सब थे यहाँ धीरे बोल दिया और तेज बोला योगी मोदी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा। किस तरह से चौपाल लगाई गई है? ग्राम चौपाल लगाई गई है आज दादरा गांव में दल डपट बहादुर सिंह जो पूर्व प्रधान है उनके आवास पर। ऐसे निरंतर हमारी योजना ऐसी है कि इस विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में ग्राम चौपाल के माध्यम से प्रत्येक ऐसे परिवार के जिनको सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं केंद्र की मोदी सरकार द्वारा और प्रदेश की योगी सरकार द्वारा और यहाँ की सांसद दीदी स्मृति जी द्वारा वो गांव-गांव के लोगों को पहुँच पा रही कि नहीं पहुँच पा रही है और जिनको नहीं मिल रही है उनको सारी सुविधा कैसे मिले, जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, शौचालय, आवास, श्रम विभाग में जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो काफी दिन से जिनको कोई लाभ नहीं मिला है, इस प्रकार के तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं उससे निजात दिलाने के लिए ग्राम चौपाल लगाई गई है। आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में माताएं, बहनें, भाई सब आए हुए हैं, उनके जन समस्या का निस्तारण हो रहा है। इसी प्रकार की ग्राम चौपाल प्रतिदिन हमारी 5-6 चौपालें होती। क्या लगता है आपको कि इस तरह से जो है चौपाल लगाने से लोगों को कितना फायदा होगा? ग्राम चौपाल के माध्यम से डायरेक्ट अपनी सारी बात तो कह पाते हैं और मैं अपने लेटर पैड पे चूंकि केंद्र सरकार का भी प्रतिनिधि हूँ रेलवे बोर्ड के सदस्य के नाते और प्रदेश सरकार में श्रम कल्याण विभाग के सदस्य के नाते प्रदेश सरकार में भी प्रतिनिधि हूँ, इस नाते से अपने लेटर पैड पे उसको पत्र लिखते हैं संबंधित अधिकारी को, त्वरित कार्रवाई करने के लिए फोन करके उनको निर्देशित करते हैं और उस पर काम भी होता है और हमारे गांव के जो जनता जनार्दन है उनका काम दिख रहा है। इस नाते से आप देख भी रहे हैं, अभी हम वन विभाग गेस्ट हाउस में थे, 200-250 लोगों का वहां काम का निस्तारण हुआ। योगी सरकार में सारे कर्मचारी अधिकारी वो काम करने के लिए परमानेंट बैठे हुए हैं, उनको आप जब बताया जाता है तो वो ये मानते हैं कि हमारा काम है, तत्काल उस पर कार्रवाई करके उसका निस्तारण कर